जी बेटा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टू ऑल ऑफ यू। एट्थ क्लास जनरल साइंस बेटा, साउंड चैप्टर आप स्टार्ट किया सी। ठीक है, साउंड चैप्टर स्टार्ट किया सी, उहदा असी पार्ट टू असी करांगे अज, जो रह गया सीगा चैप्टर अपना। ओके, सो बेटा अपने टिल जिहड़ा आ उह ईयर दे स्ट्रक्चर तक अपने पढ़ लिया सीगा सारा चंगी तरह। ठीक है, आई होप कि तुसी डायग्राम बना के देखी होगी। ठीक है जी, सो नैक्सट असी बेटा हुण पढ़ना है ऑडिबल ते नो इन ऑडिबल साउंडस। ऑडिबल मीनस ऑडिबल जिहड़े सुन सकते हैं, ठीक है, और इन ऑडिबल जिहड़े नहीं सुनाई देता। सो यू हैव लर्न डैट ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड। हुण तुहानूं इन्ना पता लग गया ना, जिहड़ी चीज़ वाइब्रेट करती है, ठीक है, साडे आले दुआले, वो साउंड प्रोड्यूस करेगी। सो वैन बट वैन यू वाइब्रेट योर हैंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड यू डो नॉट हीयर एनी साउंड। वाई कहिंदा, बट हुण जदों तुसीं अपने हैंड नूं वाइब्रेट करदे आ, को साउंड थोड़ी प्रोड्यूस करता। ठीक है ना, क्यों नहीं करता? क्योंकि दिस बिकॉज अवर ईयर्स डू नॉट रिस्पोंड टू साउंड हैविंग फ्रीकुएंसी लैस दैन 20 हर्ट्स। कहिंदा जेकर किसी भी साउंड की फ्रीकुएंसी जिहड़ी आ 20 हर्ट्स तो घट आ, लैस आ, इस तो घट आ, तो दैन जी उसकी साउंड जी प्रोड्यूस नहीं होंगी। ठीक है, और आलसो द फ्रीकुएंसी हायर दैन 20 हर्ट्स, जेकर 20,000 हर्ट्स तो ज़्यादा आ, ठीक है, ही कैन नॉट हायर दैन द 20,000 हर्ट्स कैन नॉट बी हीयर बाय ह्यूमन बींगस। ठीक है, फिर भी वह जी असी उन्हों सुन नहीं सकते, वो साढ़े लिए हार्मफुल होगी। ओके बेटा, द साउंड हुज फ्रीकुएंसी लाइज बिटवीन 20 हर्ट्स टू एंड 20,000 हर्ट्स दैट वी आर एबल टू हीयर इज कॉल ऑडिबल साउंड। ओके, हुण 20 to 20 to 20,000 हर्ट्स दे विचकार जिहड़ी साउंड असी सुन सकते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन ये बनता। ठीक है, सो इस करके उसनों असी की कहने ऑडिबल साउंड कहने। असी कि साउंड कहने बेटा? ऑडिबल साउंड बोलते हैं। सो द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज 20 हर्ट्स to 20,000 हर्ट्स। ओके, द साउंड्स इन ऑडिबल टू ह्यूमन, जिहड़ी साउंड इन ऑडिबल होंदी है ह्यूमनस नू, हैविंग फ्रीकुएंसी लैस दैन 20, जेकर 20 हर्ट्स तो घट फ्रीकुएंसी होवे साउंड की, तो वह असी नहीं सुन सकते, उसनू असी बेटा इन ऑडिबल बोलते हैं। ओके, ये दोनों का डिफरेंस ऑडिबल तो इन ऑडिबल तुसी याद रखना है बेटा। ठीक है, जिदा हुण एग्जाम्पल स्थिति हो, राइनासोरस जिहड़ा कम्यूनीकेट करता है विद वन अनदर वाय यूजिंग इनफ्रासोनिक साउंड्स ऑफ फ्रीकुएंसी हैज़ लो एज 5 हर्ट्स। ठीक है, और जिहड़े राइनासोरस होंदे वो एक दूजे नाल कम्यूनीकेट करते हैं। ठीक है, और उहदे विच जिहड़ी उहदी फ्रीकुएंसी आ घट तो घट हैज़ लो होंदी आ 5 हर्ट्स तो। एनिमल जिदा लाइक वेल्स, एलीफेंट्स हो गए, आलसो प्रोड्यूस इनफ्रासोनिक साउंड्स, जिहड़े ये भी हैगे आ, ये भी इनफ्रासोनिक साउंड्स होंदी आ। ये तुहानू एग्जाम्पल क्वेश्चन आ सकदा बेटा कि गिव द एग्जाम्पल ऑफ इनफ्रासोनिक साउंड्स एनिमल्स। ठीक है, ओके बेटा, सो ये तुहानू पता होना चाहिए राइनासोरस। ठीक है, और राइनासोरस उस तो बाद आ जाते हैं तुहाडे एलीफेंट, वेल्स। ओके जी, नैक्सट आ जाता कि ए लो फ्रीकुएंसी इनफ्रासोनिक साउंडस इज प्रोड्यूस बिफोर द मेन शॉक वेव्स ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। दिस साउंड वैन हर्ड बाय एनिमल्स मेक दैम अलर्ट एंड दे शो अबनॉर्मल बिहेवियर। सो इदा की जी जी साउंडस आ ये एनिमल्स में बहुत जल्दी सुनाई दे देती है इनफ्रासोनिक साउंडस। तो तुम देखा होना कि जो भूचाल वगैरह आता है ना, तो जोड़े सप्प वगैरह अपनी खुडा च बड़े होंगे, होल्स के बड़े होंगे, वो बहर आ जाते हैं बिल्कुल अपनी होल्स तो। ठीक है, क्योंकि सब तो पहला इन जानवरों एनीमल्स हो गए जेडे इन्हों पता लगता है भूचाल बारे। ठीक है, अगे आता साउंड्स इन ऑडिबल टू ह्यूमन, जिंद फ्रीकुएंसी मोर दैन 20 हर्ट्स आ, 20,000 हर्ट्स आ, वो जोड़े साउंडस सुन नहीं सकते असी। ठीक है, उन्होंने अल्ट्रासोनिक साउंडस बोलते हैं। ठीक है, बट एनीमल्स जोड़े होंगे एनीमल लाइक डॉल्फिन, वैट, प्रोपोइस प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड, ये जी 20,000 हर्ट्स तो भी ज़्यादा जी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बैट्स यूज इट्स टू लोकेट ऑब्जेक्ट्स इन डार्क एंड डॉल्फिन यूज इट्स टू फाइंड द वेयर इन द ओशन। ठीक है, और ये ही जी डॉल्फिन आ वह अपना जोड़ा है वह लोकेशन जी उन्होंने पता लगती है। ठीक है, डॉग्स जोड़े आ वो देख लो, डॉग्स की जी 40,000 तक हर्ट्स जी फ्रीकुएंसी जी साउंड की सुन सकते हैं। दे आर स्पैशल विसल्स नोन एज गैल्टन विसल्स,
दैट कैन प्रोड्यूस साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मोर दैन 20 हर्ट्ज साउंड. द ओनर्स ऑफ डॉग्स कैन यूज द विसल्स टू गिव सिग्नल टू देयर डॉग्स. ठीक है, सो इस करके ये डॉग्स वास्ते एक स्पैशल विसल्स होंगी है जिसनों असी गैल्टॉन्स विसल्स बोलते हैं. ठीक है, वो जी साउंड प्रोड्यूस करती है विसल वो 20 हर्ट्स नालों ज़्यादा प्रोड्यूस करती है. ठीक है, इस करके जो कुत्ते रखे होंगे उन्होंने वो की कहें ओनर्स होंगे डॉग्स के उस विसल्स में यूज करते हैं सिग्नल्स वास्ते. ओके, एसआई यूनिट की होंगी है फ्रीकुएंसी की, ये तुम्हें पता ही है हर्ट्स होंगी है. द लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज डैश इज द साउंड. जिन्नी ज़्यादा वाइब्रेशन होगी उन्नी जी साउंड की होगी लाउड होगी फेंट होगी, ये तुम खुद आंसर देना था. ओके बेटा, नैक्सट आता नॉइज़ एंड म्यूजिक. ठीक है, नॉइज़ एंड वी आर हीयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंडस अराउंड अस. असी अपने आले दुआले डिफरेंट टाइप के साउंड जोड़े वो सुनते हैं. साउंडस प्रोड्यूस बाय मशीनस इन ए फैक्टरी. ठीक है, लाउड स्पीकर ड्यूरिंग फंक्शनस एंड मूविंग व्हीकल्स प्रोड्यूस अनप्लेजेंट अफेक्ट ऑन अवर ईयरस एंड माइंड. जो असं इदा ही अनवॉन्टड साउंड सुनते हैं तो साढ़े जो कना बहुत चीज़ें अफेक्ट कर दी हैं. द अनवॉन्टड अनप्लेजेंट वेरी लाउड साउंडस आर कॉल्ड नॉइस. जी अनवॉन्टड होंगी है जी अनप्लेजेंट होंगी अनप्लेजेंट मैंने होंगे बहुत सॉफ्टली अनप्लेजेंट मैंने जी सॉफ्टली ना हो बहुत रौला रप्पा पावे. ठीक है, जी बहुत ज़्यादा लाउड साउंड हो उसनों असी नॉइस कहने. ओके, लोंग एक्सपोजर टू नॉइस लीड्स टू द सीरीयस हैल्थ हजार्ड. जो ज़्यादा शोर शराबा सू सुनाई दे तो की होंगी जी एक सीरीयस जी प्रॉब्लम हो जाती है. साउंडस प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार पियानो गिटार प्रोड्यूस प्लीजिंग अफेक्ट्स टू अवर ईयरस एंड माइंडस. प्लेजेंट एंड साउंड सॉफ्ट साउंडस आर कॉल्ड म्यूजिक. दे डू नॉट कॉज एनी हैल्थ हजार्ड्स. ओके, एक जी सॉफ्ट साउंड एक प्लीजन एक गल हों जी इनू असी म्यूजिक बोलते हैं जी कि साढ़े कना यदा कोई इफेक्ट नहीं बनता. द मेन डिफरेंस बिटवीन द म्यूजिक एंड द नॉइस इज दैट म्यूजिक इज प्रोड्यूस बाय रेगुलर एंड पीरियोडिक वाइब्रेशन एंड द नॉइस इज प्रोड्यूस बाय इरेगुलर नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन. ओके, लग ही समझ. ठीक है, और नैक्सट आए द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वी प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू प्रोड्यूस प्लेजेंट साउंड्स. जे असी सॉफ्ट सुरीली आवाज़ सुननी है तो असं म्यूजिक्स नू प्ले करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नू. इन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के डिफरेंट पार्ट्स जोड़े वाइब्रेट करते हैं साउंड नू प्रोड्यूस करने वास्ते. ठीक है, दे आर फाइव मेन टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिपेंडिंग ऑन द वे दे एयर वाइब्रेट इन दैम. पहले नंबर पर आती है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स जिसे म्यूजिक जी प्रोड्यूस करता बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स. ठीक है, जिदा गिटार्स दी स्ट्रिंग्स वगैरह होंगे उन्होंने असी टच करते हैं वाइब्रेट कर दें तो एक साउंड प्रोड्यूस. आप सब तो बैठा बैठा यही गल पढ़ी है हुण तक जिहड़ी भी चीज़ वाइब्रेट करती है वो चीज़ साउंड प्रोड्यूस करती है. ओके बेटा, सो वैन द स्ट्रिंग्स आर प्लग्ड स्ट्रक और प्लेड विद अ बो दे वाइब्रेट टू प्रोड्यूस म्यूजिकल साउंड. जिहड़ी चीज़ नूं तुसीं इहनां दे विच तुसीं देखिया होणा गिटार हो गया. ठीक है, वायलिन हो गया वीना हो गया सितार हो गया इन चीज़ों के स्ट्रिंग्स तार लगी होंगी है तुम देखते होने. ठीक है, पंजाबी दसा तू तो उसमें असी जो एक बो विद द हैल्प ऑफ बो एक बो हों छोटा जहा प्लास्टिक का पार्ट हों जहाँ तुम उन्होंने विद द हैल्प ऑफ दिस बो तुम उन्होंने साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हो टच करके. ओके, सो दूजे नंबर आता विंड इंस्ट्रूमेंट्स. दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर जनरली मेड इन द फॉर्म ऑफ पाइप्स. ठीक है, दे वैन यू ब्लो एयर इन टू दैम द कॉलम एयर इन साइड दैम वाइब्रेट. ठीक है, और प्रोड्यूसिंग ए नोट जिदा विसल होगी फ्लूट हो गया शनाई बगल सैक्सोफोन. ठीक है, ट्रंपेट इन जो आप साउंड जी एयर जी प्रोड्यूस करते हैं तो दैन एक आवाज़ जी एक म्यूजिक जोड़ा वो प्रोड्यूस होता है. प्रकाशन इंस्ट्रूमेंट्स इन ए प्रकाशन इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेटिंग स्किन और मैमब्रेन प्रोड्यूस ए म्यूजिकल साउंड. ठीक है, जिदा ड्रम हो गया तबला हो गया ढोलक हो गया मरिंडम गायम हो गया ये एग्जाम्पल्स आ प्रिकॉशन इंस्ट्रूमेंट्स के. ठीक है, हम जो ड्रम नू बीट करते हैं ढोलकी तुहाडे सामने आ तबला तुसी बजाने भी आ स्कूल च भी. ठीक है, ढोलक इदां दी चीज़ां सारियां तुसी यूज़ करते हैं. फिर रीड इंस्ट्रूमेंट्स किहड़े हो गए. ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट जिदा हारमोनीयम माउथ ऑर्गन. ठीक है, ये वाली चीज़ा. सो बेटा ये कुछ एग्जाम्पल्स दिती हुई हैं, तुहानू पता होना चाहिए सारे. हुण तुहानू क्वेश्चन डायरैक्ट आ सकता राइट द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट राइट द एग्जाम्पल ऑफ विंड इंस्ट्रूमेंट राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिकॉशन इंस्ट्रूमेंट राइट द एग्जाम्पल ऑफ रीड इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, एक होंगे गाना वाडिया ये वाला होंगे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक मंजीरा सिंबल जल तरंग. ठीक है,
ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਘੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਮਾਂਜਰਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਬਲਾ ਯੈਸ ਤਬਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਸੋਫੋਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਦਾ ਨੋਇਜ਼ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਬਾਏ ਡੈਸ਼ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੋਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੋਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ, ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਨੋਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਨੋਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਸੋਰਸ ਦੈਟ ਕੋਜ਼ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਔਰ ਡਿਸਕੰਬੈਂਟ ਆਫ ਐਨੀ ਕਾਇੰਡ ਇਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਆਫ ਅਬਾਊਟ 90 ਡੈਸੀਬਲ ਔਰ ਅਬਵ ਹਰਡ ਫਾਰ ਏ ਲੋਂਗ ਟਾਈਮ ਕੋਜ਼ਿਜ਼ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਕੋਜ਼ਿਜ਼ ਆਫ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰਨ, ਸਪੀਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਵੱਜ ਰਹੀ ਆ ਲਾਊਡਸ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੋਰਨਸ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟ ਬਾਈਕਸ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਰਨ ਬਾਈਕਸ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਲ ਓਲਡ ਲੇਡੀਜ਼, ਓਲਡ ਮੈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅਫੈਕਟ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਈ ਵਾਰ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇਫੈਕਟਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ? ਸੋ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੈਨ ਲੀਡਸ ਟੂ ਮੈਨੀ ਹੈਲਥ ਹਜ਼ਾਰਡਸ, ਇਟ ਕੋਜ਼ਿਜ਼ ਨਰਵਸ ਟੈਂਸ਼ਨਸ, ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ, ਇਰਕ, ਹੈਡਕ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇਟ ਕੋਜ਼ਿਜ਼ ਲੈਕ ਆਫ ਕੰਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਰਕ ਔਰ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡੂਰਿੰਗ ਅ ਨਾਈਟ ਡਿਸਟਰਬਸ ਔਰ ਸਲੀਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇਫੈਕਟਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਆਹ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ ਸਮ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸੋਰਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਰੋਪਲੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੂਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨ, ਫਾਇਰ ਕ੍ਰੈਕਰਸ, ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਟੂ ਅ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਨੋਇਜ਼, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਈਅਰ ਡਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਅਰ ਡਰਮ ਆ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਹੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਈਅਰ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੋਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਨੋਇਸ, ਵੀ ਮਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਨੋਇਸ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਅਡੋਪਟ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮਈਅਰਸ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਨੋਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਫਿਟਡ ਵਿਦ ਸਲੈਂਸਰਸ ਐਂਡ ਸੋਫਟ ਹੋਰਨਸ, ਦਾ ਹੋਰਨਸ ਆਫ ਦਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਸ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋਟ ਵੀ ਬਲੋ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ, ਹੋਰਨਸ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋਟ ਵੀ ਬਲੋਨ ਐਟ ਆਲ ਸਾਇਲੈਂਸ, ਐਟ ਆਲ ਨੀਅਰ ਸਾਇਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਸਾਇਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਹੋਰਨ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ 1 to 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਬੋਰਡਸ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਸ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੋਰੇ ਇੱਦਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੋ ਵੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਪਲੇ ਅ ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਸਟੀਰੀਓ ਸਿਸਟਮ ਟੂ ਲਾਊਡਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਐਂਡ ਨੋਇਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸ਼ਿਫਟਡ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ਲ ਏਰੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਨੋਇਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਯੂਜ਼ ਆਫ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਐਟ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੰਕਸ਼ਨਸ 'ਤੇ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋਟ ਪਲੇ ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਨ ਕਾਰਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਵਹੀਕਲਸ ਵਾਇਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਬੂਫਰ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਸ਼ੀਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੇਨਟੇਨਡ ਇਨ ਏ ਗੁੱਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਅਵਾਇਡ ਬਰਸਟਿੰਗ ਫਾਇਰ ਕ੍ਰੈਕਰ ਡੈਟ ਮੇਕ ਏ ਲੋਇਡ ਨੋਇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਟਾਕੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ ਆਹ ਨੋਇਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ, ਵੈਨ ਏ ਪਰਸਨ ਕਾਂਟ ਹੇਅਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਹੈਜ਼ ਲੋਸਟ ਇਟਸ ਹੀਅਰਿੰਗ ਅਬਿਲਿਟੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਇੰਪੇਅਰਡ,
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਇੰਪੇਅਰਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ। ਸੋ ਦੇਅਰ ਕੈਨ ਬੀ ਮੈਨੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਫੋਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆ। ਕੁਝ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਦ ਵੈਰੀ ਪੂਅਰ ਹੀਅਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾ ਪਰਸਨ ਸਫਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਡੈਫ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਰੀ ਪੂਅਰ ਹੀਅਰਿੰਗ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟੋਟਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਦਾ ਪਰਸਨ ਸਫਰਿੰਗ, ਉਸਨੂੰ ਡੈਫ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਫ ਪੀਪਲ ਆਫਨ ਯੂਜ਼ ਅ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿਦ ਅਰ ਹੈਂਡਸ ਟੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਅਦਰ ਆਫ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਪਾਰਸ਼ਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਨਰਲੀ ਡਿਊ ਟੂ ਨਾ ਇਲਨੈਸ, ਈਅਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਲਡ ਏਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੋਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਸਨਸ ਫੇ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਪਾਰਸ਼ਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲੋਸ ਕੈਨ ਹੀਅਰ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬਾਏ ਯੂਜਿੰਗ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਬਟ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਫਾਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਇੰਪੇਅਰਡ ਹੈ ਮੇਡ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਫਾਰ ਸੱਚ ਪਰਸਨ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਦੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਊਂਡ ਕੈਨ ਟਰੈਵਲ ਥਰੂ, ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੈਨ ਨੋਟ, ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈਜ਼ ਅ ਲੋ ਪਿੱਚ ਵੋਇਸ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋ ਪਿੱਚ ਵੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਨ ਦੀ, ਵੋਮੈਨ ਦੀ, ਬੇਬੀ ਬੋਆਏ ਦੀ, ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੀ। ਡੈਸੀਬਲ ਯੂਨਿਟ ਇਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਡੈਟ ਮਈਅਰਸ, ਡੈਸੀਬਲ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਮਈਅਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਿੱਚ ਕਰਦੀ ਆ, ਲਾਊਡਨੈਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਹੈਵ ਏ ਨਾਈਸ ਡੇ।